हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बजट्स एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स को प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, CHSLPT है आपका अगस्त में, फिर सितंबर में आपका होने वाला है SSC CGL मेंस, ठीक है। और भी वेरियस एग्ज़ाम जैसे कि स्टेनोग्राफर होने वाला है, CPO का फॉर्म फिलअप होने वाला है, ठीक है। तो वेरियस एग्ज़ाम्स SSC के होने वाले हैं, और भी एग्ज़ाम जैसे कि CDS NDA का फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है। तो सारे एग्ज़ाम्स में, जिन एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सेक्शन है, उन एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे चीज़ों को, वैकेबुलरी पढ़ रहे हैं, आइटम्स पढ़ रहे हैं, OWS पढ़ रहे हैं, पैसेज को बनाने के लिए सीख रहे हैं, PQRS पढ़ रहे हैं, और जो भी इंग्लिश के लिए इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं, प्रीवियस लेसन्स को देख रहे हैं। हर कोई प्रिपरेशन इसीलिए करते हैं ताकि वो अपने अच्छे से अच्छे मिनिस्ट्री को ले सकें। जैसे कि नहीं कि मन में कोई खास मिनिस्ट्री होता है कि हमें इस मिनिस्ट्री में ही जॉब लेना है या फिर इस डिपार्टमेंट में जॉब लेना है। जैसे कि वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं जो सबके पसंदीदा हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और भी वेरियस जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, CBI इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, रेलवे। तो इनमें जॉब्स लेने के लिए आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। जिन्हें भारत सरकार का वो ID अच्छा लगता है देखने में, अपने साथ कैरी करने में, तो उनको बस यही काम करना है कि उनको बस मेहनत करना है, मेहनत करना है। आपका रिजल्ट होगा, मेरिट बनेगा, और मेरिट बनने के बाद जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, जब आप ज्वाइन करेंगे, तब जाकर आपको भारत सरकार का ID मिलेगा, जो कि फील करने में, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप अंदर से बहुत ही खुशी महसूस करते हैं, ठीक है। तो आप लोग से बस ये रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारे साथ शेयर करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, दही बजे से कह दूँ। वहाँ पर किसी प्रकार के क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप उसका पिक भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे पैसेज को बनाना, ठीक है। पैसेज को बनाने के लिए ये हमारा 45 days प्लेज है, ठीक है। आज day 7 हम लोग कर रहे हैं, day 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, IP, OWS और MBA पब्लिकेशन का जो सिनोनिम्स दिया जा रहा है साथ में, वो जरूर आप लोग देखते जाइएगा, क्योंकि SSC के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो भी आपको दिया जा रहा है, MBA पब्लिकेशन अलग से, वो जरूर देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा, ठीक है। देखिए, इस लेसन में हम लोग बनाना सीखेंगे पैसेज। तो पैसेज बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले उस पैसेज को एक बार थॉरोली पढ़ लेते हैं, यानी कि अच्छे से पढ़ लेते हैं कि आखिर उस पैसेज में बताया क्या गया है, आखिर उस पैसेज जो है, उस पैसेज में क्या बताया गया है, जिसे हम लोग जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में फिर उसे कंप्लीट करना होता है सेंटेंस को, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग अगर पहले पैसेज को पढ़ते हैं तो क्या समझते हैं, आइए देखिए। Whenever I go into a bank, जब भी मैं बैंक जाता हूँ, Whenever I go into a bank, I feel scared. देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है scared. Scared मतलब क्या होता है? Scared मतलब होता है डर जाना. Scared मतलब क्या होता है? डर जाना. जब भी मैं बैंक जाता हूँ, मैं डरा हुआ महसूस करता हूँ, ठीक है। Everybody and everything, everybody यानी कि लोगों के बारे में बोला गया, यानी कि हर लोग, और everything यानी कि हर चीज़, that I see there, मैं वहाँ जो भी चीज़ें देखता हूँ, जो लोगों को देखता हूँ, जो चीज़ें देखता हूँ, fill in the blanks me। अब देखिए, यहाँ पे बात हो रहा है scared का, यानी कि मैं जब भी बैंक जाता हूँ तो डर जाता हूँ। तो जब आगे सेंटेंसेस जब आएंगे फिल इन द ब्लैंक के रूप में, तो वहाँ पर भी यूज होना चाहिए डरा हुआ के सेंस में। तो खैर, अभी हम लोग पहले पैसेज को पढ़ते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मी है, फुल स्टॉप। एज फॉर द मैनेजर साइट, फिल इन द ब्लैंक हिम। मैनेजर साइट मतलब जो मैनेजर का साइट जो है देखता है, सिंपली टेरिफाइज। यहाँ पर देखिए, टेरिफाई भी है इसका सिनोनिम, फ्राइटन का, ठीक है, मतलब कि डर जाने का। मी एंड फिल इन द ब्लैंक, मी वांट टू रन अवे, यानी कि जब भी मैं वहाँ जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अपना काम करूँ और जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाऊँ, निकल जाऊँ, ठीक है। तो रन अवे, फिल इन द ब्लैंक आई कैन। एज सून एज आई, फिल इन द ब्लैंक द डोर ऑफ द बैंक। यहाँ पे एज सून आई,
एज सुन एज आई फिल इन द ब्लैंक दैट डोर ऑफ द बैंक, मतलब कि यहाँ पे बैंक के दरवाजे से संबंधित कोई चीज़ बताया जा रहा है। आई लूज माई हेड, मतलब कि मैं जो है अपना माइंड लूज कर जाता हूँ, मीन्स कि अब मेरा काम जो है दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है, कोई भी काम अब मुझसे नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। व्हेन आई ट्राई टू डू एनी फिल इन द ब्लैंक देयर आई बिहेव लाइक एन ईडियट, मैं जब भी वहाँ पे कोई काम करने की कोशिश करता हूँ तो मैं वहाँ पे एक ईडियट की तरह बिहेव करता हूँ। आई कैन नॉट एक्सप्लेन फिल इन द ब्लैंक फॉर दिस, मैं इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट दैट इज़ हाउ इट फिल इन द ब्लैंक हैज बीन, दैट इज़ हाउ इट इज़ फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि अब जो है हमारे यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग हर एक ऑप्शन को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। वेन एवर आई गो इन टू अ बैंक, जब भी मैं बैंक जाता हूँ मैं डरा हुआ महसूस करता हूँ। एवरीबडी एंड एवरी थिंग दैट आई सी देयर, जो लोग और जो चीज़ें मैं वहाँ देखता हूँ, फिल इन द ब्लैंक मी। तो देखिए ऑप्शन ए में है आपका प्लीजेज, फ्राइटेंस, सैडनेस और टेरिफाइजेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लीज मतलब कि शांत करना और सैडनेस यानी कि उदास करना, ये एलिमिनेट हो जाए क्योंकि बात हो रहा है स्केयर्ड के बारे में यानी कि डराने के बारे में। तो डराने के बारे में जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा आपका फ्राइटेंस। फ्राइटन मतलब होता है डराना, ठीक है। प्लीज मतलब शांत करना, सैडनेस यानी कि उदासी और टेरिफाइजेस मतलब होता है ये जब टेररिज्म से संबंधित अगर कुछ चीज़ आते हैं तब वहाँ पे टेरिफाइज आता है, या फिर अचंभा करने के सेंस में अगर बात होता है तो वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, टेरिफाइज। एज फॉर द मैनेजर साइट फिल इन द ब्लैंक हिम सिंपली टेरिफाइज में, देखिए एज फॉर द मैनेजर साइट, अब यहाँ पर एक वजह साइट, ठीक है। अब साइट के साथ प्रीपोजिशन क्या यूज करना होता है ये हम लोग याद कर चुके हैं प्रीपोजिशंस के लेसन में। तो साइट के साथ जो है प्रीपोजिशन यूज करना होता है ऑन का, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ऑन हिम, यानी कि जब भी मैनेजर का साइट यानी कि जो जब मैनेजर उसकी ओर देखता है सिंपली टेरिफाइजेस में, मतलब कि जब मेरी ओर अगर मैनेजर देखता है तो मैं उससे डर जाता हूँ, बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाता हूँ, ठीक है। एंड फिल इन द ब्लैंक मी वांट टू रन अवे एंड मेक्स, यहाँ पे मेक्स होगा, ठीक है, मेक्स मी वांट टू रन अवे, और यह जो है जब मैनेजर मुझे देखता है तो मैं सोचता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं वहाँ से भाग जाऊँ, यानी कि वह जो है मुझे जल्दी भागने पर मजबूर कर देता है। तो यहाँ पर जो ये मेक वर्ड है, जैसे हम लोग ये सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, माई मदर मेड मी क्राई, ये हम लोग पढ़े थे जब हम लोग इरर बनाते थे तो मेड के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का यूज कर देता था जो कि इनअप्रोप्रिएट यानी कि गलत होता था, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है मेक होगा, टेरिफाइजेस मी एंड मेक मी वांट टू रन अवे एज फास्ट एज आई कैन, यानी कि जब मैनेजर मेरी ओर देखता है तो मैं सोचता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं वहाँ से भाग जाऊँ, यानी कि यह मुझे जितना जल्दी हो सके भागने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर बी है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ओर, एज फास्ट एज आई कैन, ठीक है। एज सून एज आई फिल इन द ब्लैंक द डोर ऑफ द बैंक, जितना जैसे ही मैं एज सून एज आई ओपन द गेट ऑफ द सॉरी ओपन एज सून एज आई ओपन द डोर ऑफ द बैंक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एज सुन एज आई ओपन द डोर ऑफ द बैंक, अगर हम ऑप्शंस को जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लोज मतलब होता है बंद करना, सी मतलब देखना और शट मतलब होता है बंद करना। लेकिन अगर हम सेंटेंस को अगर सही से पढ़ें तो यहाँ पर बात हो रहा है जैसे ही मैं बैंक जाता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं बैंक जाता हूँ वहाँ पर जो है हर चीज़ें जो है मुझे डराती हैं। तो अब क्या करेगा, जैसे वो बैंक जाएगा तो वो गेट को खोलेगा, इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग गेट खोलने के लिए सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो एज सुन एज आई ओपन द डोर ऑफ द बैंक आई लूज माई हेड, जैसे ही मैं बैंक का दरवाज़ा खोलता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ, आई लूज माई माइंड,
ठीक है, मतलब कि मेरा दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। आई लूज माई हेड एंड वेन आई ट्राई टू डू, यहाँ पर देखिए एंड, क्योंकि सेंटेंस हमारा ऐड हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा दूसरा कनेक्ट हो रहा है। यहाँ देखिए एक सेंटेंस यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, शुरुआत हो रहा है यहाँ से दूसरा सेंटेंस हमारा, तो इसलिए दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर एंड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड व्हेन आई ट्राई टू डू एनी, अब बैंक में अगर आप जाते हैं तो ये आप याद रखिएगा कि आप बैंक से सर्विस लेते हैं। ठीक है, बैंक से आप सर्विस लेते हैं अगर आप, लेकिन अगर आप कोई काम वहाँ करने जाते हैं बैंक में, तो वहाँ पे आप कोई बिजनेस करते हैं। ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं, और अगर बैंक आपको कोई चीज़ दे रही है तो वो होता है सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर वो मेरा काम, हम जो है हम अपना काम करने गए हैं, तो हम अपना काम करने गए हैं तो वहाँ पे हम यूज करेंगे बिजनेस का, यानी कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का बिजनेस। ठीक है, When I try to do any business there, I behave like an idiot. मतलब कि अब जब आप डरे हुए हैं ही तो आप कोई काम तो सही से कर नहीं पाएगा, तो आप तो idiot ही लगेगा। ठीक है, obviously. तो यहाँ पर जो है I behave like an idiot. I cannot explain, fill in the blank for this. I cannot explain the reasons, the responses, the answers, the causes. देखिए अगर कोई चीज़ होता है तो मैं उसके रीजंस को जो है एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसका मैं कारण हमेशा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो इसलिए जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा द रीजंस। रीजन मतलब क्या हो गया, कारण। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन द रीजंस, यानी कि मैं कारण को नहीं बताऊँगा फॉर दिस, बट डैट इज हाउ इट ऑलवेज, नो टाइम, एनी टाइम, मेनी टाइम्स। तो यहाँ पर बात हो रहा है हमेशा के लिए, यानी कि मैं जब भी बैंक जाता हूँ, अगर मैं जब भी बैंक जाता हूँ यानी कि आपके साथ वो चीज़ हमेशा हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा हो रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑलवेज का यूज करेंगे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए फॉर दिस बट डैट इज हाउ इट ऑलवेज हैज़ बिन, डैट इज हाउ इट इज नाउ, यानी कि जो ये हमेशा होता है वह अभी हो रहा है। मतलब शुरुआत से जब भी आप बैंक जाते हैं, जा रहे हैं, जब से आप बैंक जा रहे हैं तब से ये आपके साथ हो ही रहा है और अब भी हो रहा है। ठीक है, तो यही सेंटेंस का कहने का मतलब है, एंड दैट हाउ इट इज नाउ, यानी कि जो पहले था, जो हमेशा से होता आ रहा है, वो अब भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसलिए जो है अभी हो रहा है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट को शो कर रहा है कि अभी भी हो रहा है वो चीज़, तो इसलिए यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर नाउ होगा। क्योंकि देखिए देन मतलब होता है तब, लेटर मतलब बाद में, आफ्टर मतलब भी बाद में, तो इसलिए जो है अभी के बारे में बात हो रहा है तो हम नाउ का यूज करेंगे। तो इसका राइट आंसर ए का राइट आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, दूसरे का राइट आंसर आपका डी, तीसरे का बी, चौथे का बी, फिफ्थ का ए, सिक्स का बी, सेवन्थ का बी, एट का ए, नाइन का ए और टेन का बी। ठीक है, तो ये है इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन। आई होप हम आपको अच्छे से समझा पाए हों, और बस आप यही करिए कि आपको बस मेहनत करते जाना है, भारत सरकार के उस आईडी को लेना है, तो बस मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी जब भी एग्ज़ाम होगा तब तक आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, अभी भी लगभग आपके पास 55 दिन है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई इशू है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए अपने क्वेश्चन के पिक को, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो आप प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर भी करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।